गाइस आज ना मेरे बेटे के फ्रेंड्स आ गए अचानक से। तो घर पे ना अभी कुछ भी नहीं था इंस्टेंटली, तो मैंने सोचा कि मैं ना बेसन का डोसा बनाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना ये बेसन का पेस्ट तैयार कर लिया है फटाफट से। हमारी छुटकी रिद्धि से हाय। हाय, आज मेरी चाची डोसा बना रही है। किस चीज का डोसा बताओ? बेसन का। देखिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन में फटाफट से ऑयल लगा लिया है, और अभी इस ऑयल को हमें इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इस ऑयल को पूरा खत्म कर दूंगी। अच्छे से कपड़े से धो लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये बेसन का पेस्ट और इसे अच्छे से फैला देंगे। देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर ना फटाफट से ये देखिए मैंने प्याज और कैप्सिकम का पेस्ट को कट कर लिया है, ये हम इसमें फैला देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें ऑयल। ये देखिए इसको आप इस तरह से, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने आप कितना अच्छी तरह से छूट चुका है। इसे हम पलट देंगे और आप देखिए कितना क्रिस्पी बेसन का डोसा बनकर तैयार है। देखिए हमारा बेसन का डोसा बनकर तैयार है। इसमें ऊपर से लगाएंगे थोड़ी सी सॉस, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे सीजनिंग, पिज्जा सीजनिंग। इसे ना रोल कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से इसे रोल करेंगे। ये देखो इसे ना पिज्जा कटर से इस तरह से कट कर लेंगे पीसीज में। तो ये देखिए कितना टेम्पटिंग बेसन का डोसा हमारा बनकर तैयार है। रिद्धु इसे खा के बताओ कैसा हो रहा है, टेस्ट करो। चाची बहुत टेस्टी है सच्ची। थैंक यू। तो गाइज ये देखिए ये चाय और ये बोलो डोसा।